हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितेश खटावकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिथ्स ड्राइव टाइम। इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ मेरी हॉबीज़ जो मुझे पसंद है, जो मैं करना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, सब चीज़ों के बारे में ये वीडियो नए नए वीडियोज़ में इस चैनल पे अपलोड करूँगा जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, मेरी हॉबीज़ है जिसमें जैसे कि फिशिंग, ट्रैकिंग, ड्राइविंग, राइडिंग, देन नए नए जगहों को एक्सप्लोर करना। फिर सबसे इंटरेस्टिंग हॉबी है जो है बटरफ्लाई और मॉथ्स और इंसेक्ट्स, उनको कलेक्ट करना, उनको फ्रेम करना। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा हूँ बटरफ्लाईज और इंसेक्ट्स, इसे मैं मारता नहीं हूँ ना, मैं ये होते रियल हैं बट डेड होते हैं। तो जैसे आप जंगल में जा रहे हो और आपको कहीं बड़े हुए मिले मरे हुए, या फिर किसी हाईवे के किनारे आप चल रहे हो और किनारे में आपको कुछ बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाईज दिखते हैं, तो वो मैं कलेक्ट करता हूँ। एक प्रोसीजर है जिसके करने के बाद उन्हें माउंटिंग करता हूँ, पिनिंग करता हूँ, स्प्रेड करता हूँ और देन फ्रेम करता हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में कुछ खूबसूरत से इंसेक्ट्स, बटरफ्लाईज है, तो मैं आपको उनके बारे में इस वीडियो में बताना है। 6 महीने पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इंडिया में कुछ 4 प्रकार के सिल्क मॉथ पाए जाते हैं जिससे हम लोग सिल्क निकालते हैं, जिससे रेशम सिल्क कहते हैं वो होता है। तो उसमें है मूगा सिल्क, एक होता है ईरी सिल्क, एक होता है तासार सिल्क और एक होता है मलबेरी। तो इसमें से जो ईरी सिल्क है उसको मैंने अपने घर पे यहाँ मुंबई में अपने घर पे मैंने रेयर किया है, जिसके अंडे मैंने कर्नाटका से मंगाए थे और जिसमें से कुछ कैटरपिलर्स निकले थे। कैटरपिलर से कुछ में से किसी ने प्यूपा बने, उसके बाद उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग मॉथ्स बाहर आए। तो ये है वो ईरी सिल्क मॉथ जिसका मैंने फ्रेम बनाया है, आपको दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सिल्क मॉथ है ये। 4 सिल्क मॉथ में से सबसे बेस्ट सिल्क इससे निकलता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, बटरफ्लाइज और बटरफ्लाइज की उत्पत्ति फूलों के साथ, फ्लावर्स के साथ हुई थी। आज से कुछ 10 करोड़ साल पहले इनका अस्तित्व पाया गया है और इंसान की उत्पत्ति से भी पहले इनका अस्तित्व पाया गया। और दुनिया के सबसे बड़ी तितली, सबसे बड़ा बटरफ्लाई जो है वो है अलेक्जेंड्रा क्वींस बटरफ्लाई, जो पापुआ न्यू गिनी करके एक आइलैंड है वहाँ पाया जाता है, सबसे बड़ा बटरफ्लाई वर्ल्ड का। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बटरफ्लाई है वो है सदर्न गॉडविंग, जो कोंकण से लेके केरला तक जो सह्याद्री रेंज है, रेन फॉरेस्ट है, उसमें पाया जाता है, येलो और ब्लैक कलर में आता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करेंगे उसके बारे में भी अगले वीडियो में। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, दुनिया की सबसे बड़ी तितली एटलस, सबसे बड़ा मॉथ। देखो, बटरफ्लाई और मॉथ में डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। तो वो जो मॉथ है उसका नाम है एटलस मॉथ, वो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो एटलस मॉथ, ठीक है। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत मॉथ। बेसिकली ये इंडिया में भी पाया जाता है, इंडिया में पनवेल, रायगढ़, कोंकण, बल्कि यहाँ मुंबई में जो बोरीवली नेशनल पार्क में भी पाया गया है। ये कुछ फोटोग्राफ यूट्यूब फेसबुक पे मैंने देखे हैं, तो उनका अस्तित्व बॉम्बे में भी है। इतने बड़े ब्यूटीफुल, और इनका कुछ विंग स्पैन होता है 15 इंच का, मतलब इतने बड़े ये पढ़ते हैं। इनकी लाइफ बेसिकली 7 दिन की होती है, सो ये बहुत ही कम समय है उनके जीने के लिए, बट इतना खूबसूरत मौत है ये। तो मैंने जो वीडियो मैंने जो शूट किए थे, जो मैंने ईरी सिल्क टेलिंग घर पे किए थे, उससे कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा मेरे पास जितने भी कलेक्शन है बटरफ्लाईज और इंसेक्ट्स और मॉथ्स के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बटरफ्लाइज और मॉथ्स को हार्म नहीं करता, मैं उन्हें मारता नहीं, मैं उन्हें जिंदा पकड़ता नहीं। मुझे डेड बटरफ्लाइज मिलते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को फ्रेम करता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो गौर से देखिए। Thank you.
तो वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बेसिकली मैं आपको मेरे हर कलेक्शन का बटरफ्लाईज हो या इंसेक्ट्स हो या मॉथ्स हो एक एक स्पेसिफिक बटरफ्लाईज के बारे में आपको जानकारी दूँगा। मैंने जो स्टडी किया है उसके बारे में आपको बताऊँगा। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बटरफ्लाईज और इंसेक्ट का ही वीडियो बनाऊँगा, मैं काफ़ी कुछ चीज़ों के वीडियो बनाऊँगा। जैसे कि मैं कुछ कोई ट्रैवल कर रहा हूँ, नई जगहों पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, मेरे कुछ फिशिंग के वीडियोज़ आएंगे, कुछ रेस्क्यू के वीडियो आ सकते हैं, तो धमाल करेंगे, मज़ा करेंगे। देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर आपको कुछ सीखना हो, कुछ जानना हो किसी इंसेक्ट्स और उसके बारे में, बटरफ्लाइज के बारे में, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते रहेंगे मेरे आगे।